किसी को लग भी जाती है, हमारी बस यही दुआ रहेगी। गुलशन अख्तर, जो कि रजौरी के बहरोट की रहने वाली, इस वक्त जो है ब्रेन कैंसर से सफर कर रही है और उसका इलाज जो है इस वक्त सोरा हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन पास में उतने पैसे नहीं कि वो अपना इलाज करवा पाए। आज सुबह ही मुझे एक फोन कॉल आया और उनके पति ने सिर्फ रो रो के यही पुकार की कि भैया अब लास्ट उम्मीद आप हो मेरी, कि आप मेरी बात जो है उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जो मेरी मदद कर पाए। जनाब, बहुत पैसा लग जाता है कैंसर जैसी बीमारी के पीछे, लोगों की प्रॉपर्टियां बिक जाती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गुलशन अख्तर के पति ने अभी भी अपना हौसला बुलंद रखा हुआ है और वो चाहता है कि मेरी बीवी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी बीमारी है जो भगवान कभी किसी को ना लगाए, क्योंकि इस बीमारी ने कई लोगों के घर खाए हैं। और मैं उन तमाम व्यूवर से, जितने भी मेरे ये व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको सपोर्ट करने की कोशिश करें। अभी मेरे साथ फोन लाइन में उन्हीं के पति हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी जी सर, बताइए क्या, कब से ये प्रॉब्लम है गुलशन अख्तर को? सर, इनको ये प्रॉब्लम पिछले 2 साल से चल रही है, मगर तब वो प्रेग्नेंट थे तो हम डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा जब तक इनकी डिलीवरी नहीं हो जाती है तो तब तक हम इनको कोई भी दवाई वगैरह नहीं दे सकते, इनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते जी। तो फिर हमने 1 साल वेट किया, जब उनकी डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ अच्छे से, तो फिर उसके बाद डॉक्टर के पास दोबारा गए तो उन्होंने कहा ठीक है आप, हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे जी। तो उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह लिखे, वो टेस्ट करवाने के लिए मैं श्रीनगर गया, वहां से मैंने वो टेस्ट 4-5 जो लिखे सारे करवाए जी। तो उन्होंने कहा कि जो बीमारी आप लेके आए थे वो बीमारी तो इसको है ही नहीं है जी, इसको तो कुछ और ही बीमारी निकली है। हम लेके गए थे आंखों के दर्द का इलाज जी, तो उन्होंने कहा इसके आंखों का तो दर्द नहीं है, इनके ब्रेन में प्रॉब्लम है, इनको एक फोड़ा हुआ है जिसे हम, वो कैंसरस डिजीज है, ब्रेन कैंसर कहते हैं जी। तो अभी उन्होंने कहा कि इसका अभी हमारा इलाज हो सकता है, आप जल्द से जल्द इसका इलाज करवा दें, ये ठीक हो जाएंगे। तो इस बात को भी, लगभग पैसे ना होने की वजह से इतनी सहायता नहीं थी मेरे पास, 1 साल गुजर गया और ऊपर से। तो अब डॉक्टर साहब से मेरी कल बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि बेटा देर बहुत हो गई है, तो आप एक काम करें, कुछ भी करें मगर इनको यहाँ पर हमारे तक पहुँचाएं, हम इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे जी। तो सर इसीलिए मैंने यही रिक्वेस्ट की है ताकि मेरी मदद की जाए, अगर डॉक्टरों ने इतना भरोसा दिया है कि अभी इसका इलाज हो सकता है, हो जाएगा, तो मेरी यही अपील है आपसे भी और तमाम लोगों से कि अगर मेरी मदद की जाए ताकि मैं इसको वहां पहुंचा के अच्छे से एक बार अपने दिल का, जो सर भगवान के हाथ में है किसी की जिंदगी और मौत, लेकिन अपने दिल में जो एक है कि बात नहीं रह जाएगी कि हमने मतलब कुछ किया था, हम दौड़ धूप की थी, हमने खजली झेली थी, सब कुछ किया था, तो फिर आगे भगवान के हाथ में है। बस मैं उस कोशिश को लेके लगा हूँ कि आखिर दम तक मैं इससे लड़ूंगा, मैं पूरी कोशिश जारी रखूंगा आखिर दम तक इनका इलाज करवाने के लिए। चलिए ठीक है, मैं अगली बात आपसे बाद में करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गुलशन अख्तर जी के पति थे और इन्होंने भी अपने शब्दों में साफ कहा कि मैं आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन इसमें आप लोगों का सहयोग जरूर चाहिए कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिसकी जितनी इच्छा शक्ति है वो इनकी मदद जरूर करें, क्योंकि आप सब जानते ही हैं आजकल के जमाने में किस तरीके की महंगाई है और अगर ऊपर से ऐसी बीमारी आ जाए तो उसमें जो है काफी ज्यादा पैसा लगता है। और हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि ये जो अकाउंट नंबर है ये इन्हीं का अकाउंट नंबर है, और आपको मैं ये बात जरूर बताऊं कि मैं उसी इंसान की खबर करता हूं जो सच्चा हो। और जब मैंने इनकी एक MRI रिपोर्ट पढ़ी, जब मैंने इनके कागजात पूरे पढ़े
उसके बाद मैं ये रिपोर्ट आपके साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारी जनता जो है वो सच का साथ देती है, और आप लोग ज़रूर गुलशन अख्तर को जो है अपना साथ दें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है अपने बच्चों के साथ अच्छे से गुजर बसर कर सके, क्योंकि एक साल का अभी उनका बेटा है, वो अभी दुनिया में ही आया है, लेकिन माँ को इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो आप समझ सकते हैं कि घर में जो है इस वक्त क्या कहर होगा। और जिस तरीके से इन्होंने शब्द बोले हैं, और आप जान सकते हैं कि काफ़ी मजबूर होंगे, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करें और इनकी मदद ज़रूर करें। अर्ली टाइम्स के लिए प्रमोद।